हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप इस समय पढ़ रहे हैं आदिकालीन हिंदी साहित्य, और आदिकालीन हिंदी साहित्य से संबंधित आज आप कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षाओं में आदिकालीन हिंदी साहित्य से पूछे गए हैं। और ऐसे ही क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं या परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं आज के अपने इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया। तो देखिए, वीर गाथा काल जो नाम दिया है वो दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये परीक्षा में पूछा भी गया है। तो देखिए, वीर गाथा काल जो नाम दिया गया है प्रारंभिक काल का या आदि काल का, वो किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। और देखिए, ये पीजीटी परीक्षा 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी तरह से ये कई बार परीक्षा में आ चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की ओर। आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म शुद्ध है? अब यहां देखिए, वीज वपन काल, सिद्ध सामंत काल, संधि काल एवं चारण काल, वीर गाथा काल, ये सब जो है किसी ने कहा है आदिकाल को इस नाम से नाम दिया। तो ध्यान देना यह है कि किसने नाम दिया है, बीज वपन काल किसने नाम दिया। तो बीज वपन काल जो नाम दिया है वो दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। लेकिन यहां क्या है, यहां दिया गया है मिश्र बंधु। तो ये जो है आपका गलत है। मिश्र बंधु और गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा है? प्रारंभिक काल कहा है। क्या कहा है? प्रारंभिक काल। तो देखिए, ये जो है आपका बीज वपन काल, तो यही गलत हो गया और अशुद्ध हो गया। सिद्धि सामंत काल किसने कहा आदिकाल को, किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने। संधि काल एवं चारण काल, ये कहा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा, बीज वपन काल। किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? तो देखिए, ये सबके सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीर काल, अभी बात थी वीर गाथा काल की, तो वीर गाथा काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। लेकिन वीर काल थोड़ा सा अंतर हो गया, वीर गाथा काल नहीं बल्कि वीर काल। तो वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। और राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा, मिश्र बंधु ने क्या कहा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा, वो आपने अभी ऊपर देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो ये तो फिर वही क्वेश्चन आ गया, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? किसने कहा भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम इनमें द्वारा दिया गया, किसके द्वारा? तो सिद्ध सामंत काल जो है वो सामंत
और सांकृत्यायन, ऐसे ध्यान रखिए। सामंत मीन्स या सामंत का संबंध है सांकृत्यायन से, इस प्रकार से आप याद कर लेंगे तो गलत नहीं होगा। राहुल सांकृत्यायन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आदिकाल को बीज वपन काल कहा गया। तो ये मैंने आपको अभी समझाया कि बीज वपन काल किसने कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी मीन्स ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना आपको बतानी है तो वो है ऑप्शन नंबर सी, भरतेश्वर बाहुबली रास, ऑप्शन नंबर सी। और इसके रचनाकार कौन है वो भी आप ध्यान रखें, शालिभद्र सूरी। कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है, शालिभद्र सूरी, ये परीक्षा में पूछा जाता है। शालिभद्र सूरी की रचना बताइए और चार ऑप्शन दिए होंगे, या भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना बताइए, तो इस रचनाकार बताइए, लेखक बताइए, तो आपको शालिभद्र सूरी, ये आपको नाम याद रखना होगा। लेकिन इनकी एक और रचना थी जो आप ध्यान रखेंगे, पंच पांडव चरित रास, पंच पांडव चरित रास, पंच पांडव चरित रास, इसको भी आप याद रखेंगे, ये भी इन्हीं की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें देखिए जरा, खुमार रासो अगर है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुमार रासो किसका है, दलपति विजय का, इसको भी आप याद कर लें, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है, तो जो इंपॉर्टेंट है मैं उनको बताते चल रहा हूं, दलपति विजय। इसके बाद देख लेते हैं ढोला मारूरा दूहा। ये ढोला मारूरा दूहा जो है ये कल्लोल की रचना है, किसकी है, कल्लोल की, और ये जो है क्या है, राजस्थान की, सॉरी कल्लोल होना चाहिए, कल्लोल, ये राजस्थान की एक लोक प्रेम कथा है, और किसकी है, राजा ढोला की और राजकुमारी मारू की। और ये जो है परीक्षा में बहुत कई बार ये भी पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें जो है राजस्थानी लोक कथा है या प्रेम कथा है, कल्लोल द्वारा रचित है, और बाद में क्या हुआ, इसमें कुशल राय वाचक जी हैं, उन्होंने कुछ छंदों को, कहीं छंदों लिखा है कहीं चौपाइयों लिखा है, कुछ जोड़कर इसको, इसका विस्तार किया है, तो कहीं पर आपको ऑप्शन कल्लोल मिलेगा और कहीं पर आपको ऑप्शन कुशल राय वाचक भी मिल सकता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे, तो ये दोनों आप नाम याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जय मयंक जस चंद्रिका। अब जय मयंक जस चंद्रिका ये किसकी है, तो ये है मधुकर की, इसको भी आप याद रखेंगे, परीक्षा में ये भी बहुत पूछा जाता है, तो किसकी है, ये मधुकर की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल का नाम किसने दिया, आदिकाल किसने कहा। तो आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन नंबर बी। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा, वीर गाथा काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा, अभी आपने पढ़ा है, राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा है, अभी ऊपर आप पढ़े हैं और आप भूल गए,
सामंत क्या है? चलिए देखिए आपको फिर से एक बार बताते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा सिद्ध सामंत युग, और सांकृत्यायन का अर्थ आप सामंत से जोड़ लेंगे तो ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आप इनको माइंड में रखें कि कौन किससे संबंधित है, तो आपको बार बार रिवीजन करते करते ये हमेशा के लिए याद रहेगा। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आदिकाल का नाम नहीं है। इनमें से जो नाम दिए गए हैं नीचे, कौन सा आदिकाल से संबंधित नहीं है? तो देखिए आदिकाल से जो संबंधित हैं वो है वीरगाथा काल और चारण काल। ये चारण काल है, वीरगाथा काल है, सिद्ध सामंत काल है। तो आप देखिए चारण काल किसने कहा? ग्रियर्सन महोदय ने। और वीरगाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। तो ये गद्य काल जो है ये उसमें नाम नहीं है, तो ये यहां गलत तरीके से है। चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम किसने दिया? आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम किसने दिया? और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां नाम दिया गया है मिश्र बंधु। और मैंने आपको बताया गणपति चंद्र गुप्त, ये दोनों नाम आप याद रखेंगे, मिश्र बंधु और कौन? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, ये दो नाम आप याद रखेंगे। किसके लिए? प्रारंभिक काल, जिन्होंने आदिकाल को नाम दिया। आदिकाल को क्या नाम दिया? प्रारंभिक काल, इन दोनों लोगों ने, तो ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आदिकाल को आधार काल किसने कहा? आधार काल कहा डॉक्टर मोहन अवस्थी जी ने। डॉक्टर मोहन अवस्थी जी ने क्या कहा? आधार काल। आदिकाल को नाम दिया इन्होंने आधार काल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है सूची वन का मिलान सूची टू से कीजिए। अब सूची वन में क्या है देखिए जरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहासकारों के नाम दिए गए हैं, और सूची टू में है नामकरण किसने किया है ये, तो ध्यान दें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया वीर गाथा काल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत, सांकृत्यायन सामंत, और मिश्र बंधु अभी ही मैंने आपको बताया इन्होंने नाम दिया प्रारंभिक काल, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या नाम दिया? आदिकाल। तो आप ध्यान देंगे ये हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी में आप डिस्टर्ब ना होंगे। ध्यान ये देना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने नाम दिया था बीज वपन काल, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाम दिया आदिकाल। तो आप देखें इस हिसाब से ऑप्शन आप चूज करें, मीन्स ए का 2 और बी का 4। चलिए दो पहले मैच कराइए, ए का 2 और बी का 4, तो ये तो ऑप्शन नंबर डी में ही मैच कर रहा है और यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का समय माना
वो माना है संवत 1050 से, और 1050 से किसने माना साहित्य का आरंभ, ये माना हिंदी साहित्य का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है ऑप्शन नंबर ए 693 ईस्वी से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा, तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो साहित्य है वो लिखे गए हैं किसमें, पाली भाषा से संबंधित है, और इसी प्रकार से आप जैन की अगर बात आएगी तो वे हो जाएंगे प्राकृत से। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जहां जहां बौद्ध धर्म का प्रचार होता गया वहां वहां पाली भाषा पहुंचती चली गई, और इसी प्रकार से जैन धर्म के साथ साथ अर्ध मागधी और प्राकृत भाषा जहां जहां इसका प्रचार प्रसार हुआ वहां पहुंचती गई। तो आप बौद्ध धर्म अगर पूछता है तो पाली, और जैन धर्म पूछता है तो प्राकृत। चलिए, यही हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये वीडियो यहीं तक सीमित है। और आज के इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये सब के सब परीक्षा में आए हुए हैं और परीक्षा के पेपर से ही हैं, इसलिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इन प्रश्नों को एक बार नहीं तब तक दोहराएं जब तक आपको अच्छी तरह याद ना हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो या इस वीडियो में संग्रहित क्वेश्चन अगर अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों को भी या फ्रेंड्स को भी अवश्य ही शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।